Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is group dynamics of a classroom, means kaksha kaksh ki samuh gati ki. Okay, so group dynamics pe hum log pehle bhi baat kar chuke hain, wo purana video hai. Main iske description box mein aapko group dynamics ki link de dungi, jisse aap uski essential elements aur components samajh sakein. Lekin ye sawal bahut pucha jata hai, agar aapne thoda bhi dhyan diya hoga, apne unsolved dekhi hongi, aapne pichle saal ke prashna patra dekhe honge. Kaksha kaksh ko ek samuh ke roop mein rakhte hue uski samuh gati ki samjhaiye, is tarah se isse milta julta prashna har baar pucha jata hai, kyunki group dynamics mein yahi ek prashna banta hai, ye main. क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रुप डायनेमिक्स ऐसे करके जनरली कम पूछते हैं. क्लासरूम एज अ ग्रुप या सोशल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम या डिस्कस द ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ ए क्लासरूम, इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो समझते हैं, आसान है और इंटरेस्टिंग भी है. देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो समूह होता है वो स्थैतिक नहीं होता है कि आज जैसा है वैसे ही कल भी रहेगा, वैसे ही परसों भी रहेगा. वो बदलता रहता है, गति की अवस्था में रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरैक्शंस होते रहते हैं. वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें आपस में खींचातानी है कि कोऑपरेशन है कि कोलैबोरेशन है, कि पॉजिटिव स्थिति है कि पॉजिटिव स्थिति नहीं है, ये सारी चीज़ें ग्रुप को प्रभावित करती हैं. तो समूह जो है वो चलायमान होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं. तो शुरू करते हैं समूह से. समूह से क्या समझते हैं आप? तो जेनिंग्स ने कहा, जेनिंग्स स्टेटेड दैट डेफिनेशंस वेरी अमंग राइटर्स इन द फील्ड, बट देयर इज अ बेसिक एग्रीमेंट दैट अ ग्रुप इज मोर देन एन असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स. जेनिंग्स कहते हैं या जेनिंग्स ने कहा कि इस बारे में परिभाषाओं में राइटर्स एक दूसरे से मतलब उनके विचार बेमेल हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सिमिलैरिटी सारे ही राइटर्स में है जिन्होंने ग्रुप की डेफिनेशन की दी है कि जो समूह होता है वो इंडिविजुअल्स की असेंबली से ज़्यादा होता है. ये उसी तरीके से हुआ जब हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो कहा जाता है ना होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो टोटैलिटी में आता है वो जोड़ने से जो बनेगा उसके सम से ज्यादा है. उसी तरह से समूह इंडिविजुअल्स की असेंबली से ज्यादा है. स्टाइल्स एंड डॉट से डिफाइन करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स को, कि ग्रुप डायनेमिक्स में बी डिफाइंड एज द फोर्स और पावर, मतलब कि जो समूह गति की है वो एक तरीके की शक्ति है, एक तरीके का बल है. दैट अंडरलाइज ग्रुप प्रोडक्टिविटी, यानी कि समूह की उत्पादकता के नीचे वो बल काम करता है. यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स एक ऐसा बल है जिससे समूह उत्पादक बन सकता है. द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग इन अ ग्रुप एंड टू हेल्पिंग द ग्रुप बिकम सेंसिटिव टू इट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटेंट टू सॉल्व देम. यानी कि जब हम समूह गतिकी का अध्ययन करते हैं तो हम समझ सकते हैं उन कारणों को और उनके प्रभावों को जो एक ग्रुप में ग्रुप के ऑपरेशन में फोर्स करते हैं. मतलब वो समूह में जो भी संक्रियाएं चल रही हैं उनके पीछे के बल के कारण और प्रभाव हम ग्रुप डायनेमिक्स से ही समझ सकते हैं. और ग्रुप डायनेमिक्स ये हेल्प करता है ग्रुप को कि वो सेंसिटिव हो सके, वो संवेदनशील हो सके उन समस्याओं को जो उनके सामने आ रही है, और उनको सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटेंट हो सके, दक्ष बन सके उनके समाधान में. फिर वन ऑफ द रीजंस फॉर स्टडिंग ग्रुप डायनेमिक्स इज टू फाइंड वेज ऑफ गिविंग एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हिज एबिलिटी टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और हम क्यों पढ़ रहे हैं ग्रुप डायनेमिक्स? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको वो तरीके पता चल सके जिससे कि उस ग्रुप का हर इंडिविजुअल, यानी कि अगर क्लासरूम की बात हो रही है तो हर बच्चा, उसको ये अवसर मिले कि वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सके. किसमें? जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन में. यानी कि हर बच्चा उत्पादक बने, हर बच्चा कॉम्पिटेंट बने. टू लर्न टू वर्क कोऑपरेटिवली एज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप इज ए गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग फॉर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी. देखिए, हम हो गए, मतलब हिंदुस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. तो ये जो मतलब अगर आप ग्रुप डायनेमिक्स का कंसेप्ट लेते हुए क्लासरूम में चलेंगे तो हम स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे, क्या सिखा सकेंगे कि कैसे कोऑपरेटिवली एक मेंबर, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स की तरह से आपको बिहेव करना है. तो इससे क्या होगा, उनको गुड सिटीजन ट्रेनिंग भी मिलेगी जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और टीचिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इन क्लासरूम. और हम अपने शिक्षण कार्य को समूह, कक्षा कक्ष को एक समूह के रूप में लेते हुए, समूह गतिकी के नियमों को समझते हुए हम अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बना सकते हैं. ठीक. और क्या है ग्रुप डायनेमिक्स? इट इज एन एरिया ऑफ रिसर्च इन द ग्रुप एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज. यानी कि सामाजिक परिवर्तन ग्रुप में कैसे होता है, इसके लिए ये एक अध्ययन क्षेत्र है, हमको अनुसंधान से पता चला है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इन प्रोड्यूसिंग ग्रेट ग्रुप प्रोडक्टिविटी. यानी कि ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये ग्रुप डायनेमिक्स की रिसर्चेस हमको बताती हैं. इन डेवलपिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रुप्स एंड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल्स इन देयर सेंसिटिविटी
sorry, and in their sensitivity to what is happening in the group and in their ability to assume more efficiently group leadership and membership responsibilities. यानी कि भाई देखिए ग्रुप होगा तो लीडर भी होंगे, ग्रुप होगा तो मेंबर्स भी होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़िया तरीके से efficiently इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हमको ग्रुप डायनेमिक्स की रिसर्च से पता चलता है. इन ए डेमोक्रेसी ग्रुप्स नीड टू ग्रो इन देयर efficiency and in their ability to improve the power of their own members and thus release more and more political resources within the group. There is a need to analyze the responsibilities of leadership in helping groups to grow, achieve greater productivity and make better use of their own resources. मतलब कि आपको group dynamics जब समझ में आ जाएगा, जब आप कक्षा को एक समूह के हिसाब से लगाकर चलेंगे, बनाकर चलेंगे, तो उसमें हम एक leader generate कर सकते हैं, group की productivity बढ़ सकती है और वो जो भी resources उनके पास हैं उनका better utilization हो सकता है. यानी कि group dynamics कक्षा कक्ष को group मानते हुए उसकी dynamics के अनुसंधान के नियमों, परिणामों और सिद्धांतों का अगर हम परिपालन करते हैं तो शिक्षण और लर्निंग आउटकम, एबिलिटी सब बढ़िया हो सकता है. ठीक. अच्छा, ग्रुप डायनेमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ सिद्धांत पे समूह गति की काम करता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बिलोंगिंगनेस. देखिए बिलोंग हम करते हैं अपने ग्रुप से, अपने क्लास से, कि ये हमारा क्लास है, इसलिए हम बिलोंगिंगनेस का उसमें प्रिंसिपल आता है. फिर परसेप्शन, हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, कोई भी हमारे सामने समस्या आ रही है तो उसका परसेप्शन कैसा है, क्या नेगेटिव माइंडेड पीपल हैं या लाइक माइंडेड पीपल में पॉजिटिव माइंडेड पीपल हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं तो ग्रुप अच्छा काम करेगा, नेगेटिव थिंकर्स अगर सब पीयर ग्रुप में सब गलत सोचने वाले हैं, बुरा सोचने वाले हैं, तो हम भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे. यानी कि परसेप्शन पे के प्रिंसिपल पे काम करता है ग्रुप डायनेमिक्स. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फॉर्मिटी, मतलब एक तरीके का सोच रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हर व्यक्ति दूसरे तरीके अलग, एक तरीके की सोच है कि अच्छा ठीक है हम ऐसे काम करेंगे, हमको इस तरह से प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमको इस तरह से असाइनमेंट देने हैं, जो भी है. प्रिंसिपल ऑफ चेंज, अगर आपका बढ़िया लाइक माइंडेड पीपल होंगे, कोऑपरेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, तो चेंज के प्रति हम अनुकूलित जल्दी हो जाएंगे, मतलब हम रिजिड नहीं रहेंगे. देखिए चेंज तो आना ही है, तो चेंज के प्रति आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे ग्रुप उतनी अच्छे से चलेगा, उतनी तेजी से. फिर प्रिंसिपल ऑफ रीएडजस्टमेंट, यानी कि वही अडेप्टेशन से मतलब है इसका भी. एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन मोटिव्स, यानी कि ग्रुप का एक मोटिव होगा तो हम अच्छे से चलेंगे, मतलब स्मूथ चलेगा ग्रुप. अगर सारे मोटिव्स आपस में एक दूसरे से को कट कर देंगे तो फिर गड़बड़ होगी. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ग्रुप डायनेमिक्स बेस करती है, आधारित है. तो हम जब क्लासरूम को एक ग्रुप की तरह से बिहेव परसीव कर रहे हैं तो हमको इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा. किसको? टीचर. ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स इन क्लासरूम अब आया हमारे पास, वो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे. ये तो पीछे इतनी भूमिका बन रही थी कि समूह क्या होता है, समूह गति की क्या होती है, समूह गति की को कक्षा कक्ष में अगर करेंगे तो शिक्षण बढ़िया हो जाएगा, और कुछ सिद्धांत हैं जिनका समूह गति की पालन करती है. तो ग्रुप डायनेमिक्स जब क्लासरूम में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ग्रुप डायनेमिक्स सर्व एज द इनविजिबल हैंड दैट गाइड्स क्लासरूम इंटरेक्शंस. यानी कि समूह गति की एक वो अदृश्य हाथ की तरह, अदृश्य शक्ति की तरह जो कि काम करता है किसके पीछे, क्लासरूम इंटरेक्शन, कैसे क्लासरूम में कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया हो रही है, शेपिंग एवरीथिंग, हर चीज़ क्लास में कैसे हो रही है, उसको शेप देना, आकार देना, किस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्टूडेंट इंगेजमेंट टू द इफिकेसी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स. स्टूडेंट आपस में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, से लेके जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस भी इंस्ट्रक्शनल मेथड से पढ़ा रहा है, वो कितना इफेक्टिवली स्टूडेंट तक पहुँच रहा है, इन सब के पीछे ग्रुप डायनेमिक्स काम करती है. रिसर्च शोज दैट अ पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक इनहेंस लर्निंग आउटकम्स. अनुसंधानों ने हमें बताया है कि अगर पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक होती है किसी ग्रुप में, क्लास में, तो लर्निंग आउटकम बढ़ता है. The group can give the effect of synergy. देखिए एक ग्रुप जो है वो एक एक, एक मिला जुला के, एक synergistic, एक एक योगात्मक प्रभाव दे सकता है, जिसे कि क्या होगा, that is if होना चाहिए था, जैसे that is if the group consists of positive thinkers. यानी कि अगर ग्रुप में वो लोग हैं जो धनात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, then its output is more than double every time. तो इसका output बहुत 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 हमको multiples में मिलेगा. For instance, group dynamics streamline the effectiveness of collaborative learning strategy in the field of teaching and learning. इसका मतलब क्या है कि जो समूह गति की है वो collaborative, देखिए collaborative learning पे बहुत बात है, बहुत बहुत तरीके की strategies है जिसमें think, pair, share आता है, आपका jigsaw आता है. ये मैंने कहीं आपसे share भी किया है, कभी हो सकता है collaborative मैं share कर चुकी हूँ आपसे, मुझे याद नहीं. तो
कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में मतलब कि कंपटीशन है पर हेल्दी कंपटीशन है, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोऑपरेशन है। तो आजकल बहुत बात होती है कोऑपरेशन की और कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी की, तो ग्रुप डायनेमिक्स उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है जिससे शिक्षण और अधिगम सुधरता है। कहने का मतलब कि कक्षा कक्ष एक समूह है और अगर हम उसको पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स उसमें कार्यरत होगा, शिक्षण शिक्षक जो है वो समझेगा ग्रुप डायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस, तो वो क्लासरूम का सारा इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और लर्निंग आउटकम सुधार सकता है। ठीक है, फिर हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स इन क्लासरूम। हम समझ गए कि ग्रुप है, क्लास, क्लास में ग्रुप डायनेमिक्स है, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए कि ग्रुप डायनेमिक्स अगर अच्छी चलेगी तो क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। तो कैसे करें पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स क्लास में, कैसे जनरेट करें, कैसे क्रिएट करें? तो उसके लिए दो ही चीज़ें जरूरी है, एक तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बढ़िया हो और दूसरा लर्नर लर्नर या स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप बढ़िया हो। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे बढ़िया हो सकता है? सबसे पहली बात जो हमने मेंटल हेल्थ में भी हम बात कर रहे थे कि एक्टिव लिसनिंग बाई टीचर या नॉन जजमेंटल नेचर ऑफ टीचर, यानी कि टीचर को सुनना पड़ेगा, उसको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर कर पाएगा, कहीं कोई बैरियर है उसको ओवरकम कर पाएगा, है ना। इंक्लूसिव लैंग्वेज, बहुत बात होती है आजकल इंक्लूसिविटी की, हर जगह बात है कि आपको सबको साथ में लेके चलना है। NCLB, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक को छोड़ना नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को आपको ध्यान में रखना है, कल्चरल आपको इंक्लूसिव बनाना है, कल्चरली इंक्लूसिव बनाना है अपने क्लास को। तो भाषा हर तरीके की, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे विशेष की भाषा, स्टूडेंट विशेष की भाषा को यूज़ ही नहीं किया जा रहा, उसको लग रहा है कि हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब कोलैबोरेटिव ग्रुप स्ट्रेटजी और एक्टिविटीज कराते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, और ये बहुत लाजमी भी है, कि कुछ बच्चे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और कुछ एकदम शाई रहेंगे, रिलक्टेंट रहेंगे और वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बैलेंस्ड कर सकें, 100% तो नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी अपना एफर्ट करना होगा कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन, हर स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करे। अगर ऐसा हम कर पाए तो एक पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्लास में बन जाएगा जो कि पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स को फैसिलिटेट करेगा। फिर कैसे हम लर्नर लर्नर के रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सकते हैं? यूज आइस ब्रेकर्स एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आपको बार बार टीम बनानी होगी, टीम बना के काम देने होंगे, जिसमें कि हर बार टीम बदल दीजिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चे का यही फेवरेट दोस्त हो गया है, बस वो उसी के संग काम करता है, बाकियों के संग नहीं करता, ऐसा नहीं करना है। देन इंश्योर लर्नर्स वर्क विद डाइवर्स मेंबर्स ऑफ क्लास। वही बात निकल के आ गई ना, हमको ये तय करना पड़ेगा कि जो विद्यार्थी है वो विभिन्न ग्रुप में एज अ मेंबर काम कर सके, तो हर किसी के साथ उसकी जो कंपेटिबिलिटी है वो बढ़िया हो जाएगी। मेक श्योर लर्नर्स फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हमको ये इंश्योर करना होगा कि जो विद्यार्थी है उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस, मतलब अपनेपन का भाव आए, है ना, कि ये क्लास मेरी है, ये डेस्क मेरी है, ये फर्नीचर मेरा है, ये क्लासरूम की वॉल्स मेरी है, इनको गंदा नहीं करना है, साफ रखना है, किसी से खराब तरीके से व्यवहार नहीं करना है, एंड ऑल। देन इंश्योर लर्नर्स वर्क कोऑपरेटिवली टुगेदर ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स और टास्क। हमको ये भी इंश्योर करना है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई ऐसा काम दे रहे हैं जो ग्रुप को मिलकर करना है, तो हम कोऑपरेटिवली करें। और डेवलप स्टूडेंट्स इम्पैथिक स्किल्स थ्रू रोल प्ले और पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखिए रोल प्ले की बात, सोशियो ड्रामा की बात, साइको ड्रामा, ये सब टर्म्स यूटिलाइज होते हैं ग्रुप डायनेमिक्स में, बहुत बात होती है। रोल प्ले, हम जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, क्लास के दो बच्चों के बीच में, तो आप कहिए आप उनकी जगह आ जाइए, आप उनकी जगह आ जाइए, दूसरे, तब आप जब उनका पर्सपेक्टिव देख पाएंगे, सामने वाला बच्चा दूसरे बच्चे का पर्सपेक्टिव देख पाएगा, तो निश्चित रूप से वो उसके थिंकिंग पावर में चेंज होगा कि अच्छा इसने ये ऐसा किया क्योंकि ये मैं इसकी जगह हूँ, तो मैं भी ऐसा ही करता शायद, इस तरीके का। तो इस तरह से ये तदनुभूति का कौशल हमको बच्चों में जगाना होगा, विद्यार्थियों में, तो जिससे कि वो रोल प्ले के तहत या पर्सपेक्टिव टेकिंग के तहत आप बात कर सकते हैं। ओके, देन हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर एनी बुलिंग और रेडिक्यूल। मतलब हमको ये देखना होगा कि कोई किसी को चिढ़ाए नहीं, कोई किसी को बुरा भला नहीं करे, इसलिए हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चलेंगे, मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर ऐसा होगा तो। अगर ऐसा हम कर पाए, हम मतलब शिक्षक अगर ऐसा कर पाए, तो वो क्लासरूम में निश्चित रूप से एक पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स को फैसिलिटेट करेंगे, और पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स बेटर लर्निंग आउटकम को फैसिलिटेट करेगी। सो इट इज ऑल अबाउट ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ ए क्लासरूम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको किया है क्योंकि फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है ना। आप इसको एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लोर करिए, एक्सपैंड करिए, सब आप कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्चुलाइज कर दिया बस कि इस तरह से लिखना है, ये कंसेप्ट है, ये ज़रूरी है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप डायनेमिक्स है, इस तरह से क्लासरूम में सोशल इंटरेक्शन चलता है और किस तरह से टीचर उस सोशल इंटरेक्शन का फैसिलिटेटर बन सकता है। ओके
So in this way, I have completed this very topic too, and I will put the link of my previous video on group dynamics in the description box for your better understanding. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I've done from my side.